स्वास्थ्य के बारे में हमारी जनता से भी आपको संबोधित करना चाहेंगे। जैसा कि हमारी प्रदेश प्रवक्ता सम्माननीय अनीता जी पटेल ने भी बताया कि किस तरह से राजस्थान एक सुशासन देने की बात करता था, तो जो आम महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही, बेरोजगार भाइयों को रोजगार देने की बात कही, आज उस गरीब के मन में बड़ी पीड़ा है जो इन सारी बातों को सोचकर सरकार को सत्ता में लेकर आया। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि 20 महीने होने के बाद आज सरकार जिस तरह से घिरी हुई है, जिस तरह से आम जनता की सुध लेने को तैयार नहीं है, मुझे लगता है ऐसी सरकार को सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है। आज हम SC ST की बात करें, किस तरह से लगातार इनका आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकार ने पिछले कई वर्षों तक, अभी भी हम बात करें तो जिस SC ST के वोटों के बलबूते पर, जिस अल्पसंख्यकों के वोटों के आधार पर सत्ता में सरकार हमेशा आते रही है, लेकिन उसके बावजूद आज इनके ऊपर इतने अपराध होना, मुझे लगता है ये सीधा सीधा सरकार की तरफ हम उंगली उठाएं तो ये कम नहीं है। और इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए। अभी महिलाओं की बात कर रहे थे कि किस तरह से पूरे राजस्थान में, चाहे अलवर की घटना हो, चाहे हमारे धौलपुर की पसेड़ी की घटना हो, चाहे हमारे बारां की घटना हो, चाहे मैं जिस जिले से आती हूँ बूंदी से, इतने अपराध होने के बावजूद इतनी लड़कियां गायब, नाबालिग लड़कियां गायब, बालिग लड़कियां गायब, जिनके बोसों के तो 164 के बयान भी नहीं करवाए अभी तक इन लोगों ने। ऐसी घटनाएं घटित होना, चूरू सीकर की घटना, और आपने देखा होगा अजमेर में किस तरह से अजमेर में घटना हुई, आमेर के अंदर स्कूल जाती हुई बालिका के साथ किस तरह की बात हुई। और SC ST की हम लोग बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा बढ़ा है, जो दूसरे नंबर पर पूरा राजस्थान आया है, ये राजस्थान को मैं कहूँगी इस कांग्रेस की सरकार ने कलंकित किया है, और ये कलंक इस कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगा है। आने वाले में समय में सरकार को विचार करना चाहिए, मन बनाना चाहिए कि किस तरह से हम इस SC ST को सुरक्षा प्रदान करें, ताकि जनता ने जिस भावना से आपको सत्ता में लाने का काम किया, आज किसानों को बंजर लाने का काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम राजस्थान में बात करें तो हमारी बहनें भी इस कृषि से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं किसानों को जिस तरह से कृषि बिल आने के बाद बंजर लाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है राजस्थान का एक भी किसान भावनाओं में बहने वाला नहीं है। किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक लाकर, दोनों ही विधेयक लाकर किसान को मजबूत करने का काम किया है, नई शिक्षा नीति लाकर, मैं कहूँगी हमारे बहनों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। क्योंकि हम देखते थे हमारी बहनें जो कमजोर वर्ग से आती है, जो ग्राम ग्रहणी से आती है, जिन्हें सब्जेक्ट लेने के लिए प्रतिबंधित किया जाता था, आज वो आजाद है और नई शिक्षा नीति का उन्हें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं कहूँगी कि सरकार आने वाले समय में, चाहे हमारे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, इस सरकार को ऐसा झटका लगने वाला है कि हमारी जनता, राजस्थान की जनता, राजस्थान की बहनें इनको बता देगी, SC ST के लोग इनको बता देंगे कि किस तरह से आपकी सरकार के समय ये अत्याचार बढ़ा। ऐसा लग रहा है राजस्थान में कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार 5-स्टार होटलों में जाकर बैठ जाए, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। कहीं ना कहीं एक काम के लिए मैं एक सवाल जवाब करना चाहती हूँ आपसे, पूछना चाहती हूँ कि सरकार विकास की बात तो दूर, लेकिन जो मूलभूत सुविधा देने की बात तो दूर गई। आज व्यक्ति को, महिलाओं को, SC ST के बंधुओं को अपनी जान बचाने के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है, ये सरकार को सीधा सीधा कलंक है। मुझे लगता है आपके माध्यम से आम जन तक हमारी बात पहुँचेगी, और निश्चित तौर पर जनता को तो विश्वास हम पर है ही सही, लेकिन इस सरकार को भी बता देना चाहेगी आने वाले समय में कि किस तरह से आपने जनता के साथ जो वादा खिलाफी करी, जो झूठा वादा किया, जो आपने दस्तक गिनती गिनकर इस राजस्थान के किसान का कर्जा माफ करने की बात कही, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। अपराध किसी के खिलाफ भी नहीं बढ़ना चाहिए। हम जनरल की बात करें, आप मेरी विधानसभा में जाके देखेंगे, बूंदी जिले के आंकड़े देखेंगे।
कितने अपराध, हम ये नहीं बोल रहे, देखो अपराधी कोई भी हो सकता है, लेकिन जिनके वोटों के बलबूते पर प्रयास करके सरकार सत्ता में आना चाहती है, आज मुकदमा दर्ज नहीं होता, इधर उधर भटकते रहते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। हम इस बात को नहीं बोल रहे कि ठीक है जनरल के ऊपर अपराध बढ़े, नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बेटे हैं, इस तरह की बात हम नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान आम जन को होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन। पिछले साल में 10 से ज्यादा बयान मीडिया के नेताओं के आए, महिला अपराध के साथ दलित अत्याचार के खिलाफ, क्या उनके आरोपों में कोई कमी खामी रहेगी जो आज आपके सामने आ रहा है, क्या वो सही तैयारी के साथ नहीं आए? देखिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, सब नेताओं ने बोला है उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। हम क्योंकि विपक्ष में है इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का ध्यान बार बार इस ओर खींचे, ताकि सरकार का ध्यान कभी तो बढ़ेगा और कभी तो वो आम जनता की सुन लेगी। अनिता जी सपोटरा में जो घटना हुई है, इतने दिन हो गए, अभी तक सिर्फ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिस घटना की मैं जिक्र कर रहा हूँ, पुजारी को जिंदा जला दिया गया दिन दहाड़े, और पुलिस कह रही है कि उन आरोपियों के फोटोग्राफ तक नहीं है उनके पास। और जाने के बाद यदि उसको न्याय मिलेगा तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है।
कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने, इन्हीं के मंत्री ने इस बार की बात। सवाल ये है कि आपके सहयोगी दल आपसे क्यों नहीं समझ पा रहे? देखिए आने वाले समय में सब समझेंगे, जैसे जैसे सबको समझ में आ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं किसान के हित का मिले। हनुमान मेरे बार विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपके बारे में? वो हनुमान जी को उनका अपने आप को पता, वो तो भगवान राम से पूछना चाहिए कि हनुमान जी क्यों विरोध कर रहे हैं। बाकी आने वाले समय में सब लोग हम सहमत है, इसीलिए हम लोगों ने सुनिए, हम विधेयक के पक्ष में लगातार हनुमान बेनीवाल वसुंधरा जी को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, आप उससे सहमत है क्या? देखिए वो एकदम से अलग बात है, कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाए ये उनको विचार करना चाहिए इस बात का। और मैं इससे क्यों सहमत होंगी बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के, और हनुमान जी की अगर कोई आपसे कोई बात है तो उनको देखना चाहिए। धन्यवाद। Okay.